राजभवन में मुख्यमंत्री की शपथ लेने के बाद चंपई सोरेन सीधा मंत्रालय पहुंचे और उनकी पहली कैबिनेट की बैठक हुई। इस कैबिनेट बैठक में जो पूर्व में निर्धारित 9 फरवरी से 29 फरवरी तक होने वाले बजट सत्र जो था उसे विलोपित किया गया, यानी उसे यहां पर स्थगित कर दिया गया है। अब नए सिरे से जो बजट सत्र होगा उसकी डेट के अनाउंसमेंट होगी। वहीं दूसरी ओर जो फ्लो टेस्ट का बात सामने आ रहा था उसको लेकर के भी यहाँ पर मुख्यमंत्री चंपई सोरेन ने अपनी बातों को रखा है। साफ तौर पर उन्होंने कहा है कि बहुत जल्द फ्लो टेस्ट होगा और विधानसभा में अपनी बहुमत पेश करेंगे। और पहले आप सभी को शुभकामना देता हूँ। झारखंड प्रदेश के सभी भालू आप लोगों को माध्यम से जनता तक पहुंचाएंगे हम लोग कि झारखंड सरकार की जो पिछले दिन हमारा हेमंत सोरेन के नेतृत्व में चार साल जो कामकाज और विषम परिस्थिति में भी कोरोना जैसा महामारी में भी हेमंत बाबू का अच्छा नेतृत्व, अच्छा सूझबूझ और झारखंड अलग राज्य होने के बाद जो 20 साल बाद हेमंत बाबू का जो कामकाज यहाँ का आदिवासी मूलवासी तो उनका बुनियादी सवाल को मजबूत करने ज्वार कर आंदोलनकारियों का जो उद्देश्य उस अनुरूप जो योजना को तैयार किया है ये सरकार को जो सुदूर ग्रामीण क्षेत्र से लेकर शहरी क्षेत्र तक जो वर्षों से इसे सरकार के योजना से जो दूरी रखा गया उस काम को जो शुरुआत किया हेमंत सोरेन उसी काम को और तेजी से हम लोग काम करेंगे ताकि यहाँ का ग्रामीण क्षेत्र हो चाहे शहरी क्षेत्र हो हर वर्ग चाहे किसान हो छोटे किसान हो मजदूर हो चाहे चिकित्सा की बात हो शिक्षा की बात हो यातायात की बात हो ताकि झारखंड प्रदेश में अमन चैन भी हो और सभी क्षेत्रों को ध्यान में रखते हुए जनहित में हमने पूरा करेंगे ताकि ये झारखंड प्रदेश सभी लोग जानते हैं कि ये खनिज संपदा से भरा हुआ प्रदेश है, जल जंगल जमीन से घेरा हुआ है, जल जंगल जमीन का वर्षों से संघर्ष हुआ है, यहाँ के आदिवासी यहाँ के मूलवासी का अस्तित्व को अस्मिता को बचाना है, ये बहुत बड़ा दायित्व जो हमको मिला उस दायित्व को अच्छा से निभाएंगे और जो भी विपक्ष की ओर से
पीछे सरकार को अस्थिर करने के लिए। और उनका जो विपक्ष का जो अस्थिर करने को सोचा है, ये हमारे गठबंधन सरकार उसका काम के माध्यम से उसको हम लोग आईना दिखाने का काम करेंगे। जो आज क्या निर्णय लिया गया मुख्यमंत्री जी, सत्र कब बुला रहे हो, फ्लोर टेस्ट कब? जल्दी हम लोग करेंगे फ्लोर टेस्ट। विधायकों को हैदराबाद भेजा गया है। मुख्यमंत्री जी, क्या ऐसी मजबूरी रही कि सभी विधायकों को यहां से हैदराबाद आपको शिफ्ट करना पड़ रहा? कोई मजबूरी नहीं है, थोड़ा हैदराबाद से दूंगा आएगा, बाकी ठप ठीक। मुख्यमंत्री जी, आज क्या निर्णय लिया कैबिनेट में, कुछ महत्वपूर्ण निर्णय आपने लिया? सुप्रीम कोर्ट से राहत नहीं मिली, सुप्रीम कोर्ट में आज पहला कैबिनेट है हमारा, और पहला कैबिनेट में हम लोग जो नियम के अनुसार विधानसभा आउट था 9 तारीख से जी, उसको विलोपित करके नया से हम लोग करेंगे। आप लोग कोई डेट तय किया 5 तारीख का को कर रहे हैं क्या? और पॉलिटिक्स भी हम लोग बहुत जल्दी 1-2 दिन के बाद ही कर रहे हैं। दुमका भी जा रहे हैं क्या अभी? अभी हाँ। न्याय यात्रा में मुख्यमंत्री राहुल गांधी के साथ मुलाकात करेंगे हम। राहुल गांधी थोड़ा जोर से बोलिए, राहुल गांधी की न्याय यात्रा भी शामिल होंगे और झारखंड दिवस दुमका में भी शामिल होंगे। हेमंत सोरेन जी से भी मिलने जाएंगे आप? मिलेंगे, हमारा ईडी ने हालांकि कस्टडी में ले लिया है। हमारा दल का नेता है और उनका कामकाज के पीरियड में बहुत उतार चढ़ाव के बीच में सबसे बढ़िया काम किया हेमंत सोरेन ने। यहाँ का विकास के ऐसे ऐसे योजना ने शुरुआत किया है हेमंत सोरेन ने, दूसरों राज को उसको अपनाना पड़ा है। इसीलिए हमारा एक युवा सम्राट करमवीर हेमंत सोरेन न्याय की लड़ाई में है, निश्चित सफल होंगे। जहां विधानसभा में बहुत जल्द वो अपनी बहुमत पेश करने जा रहे हैं, तो वहीं दूसरी ओर उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि हेमंत सोरेन ने यहां पर जो हिम्मत दिखाई है वो काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाती है। और जिस तरीके से अभी फ़िलहाल सुप्रीम कोर्ट से जो भी फैसला आया है, सुप्रीम कोर्ट ने यहां पर साफ तौर पर जो कहा है कि हाईकोर्ट का रुख करने के लिए वो ज़रूर हाईकोर्ट भी जाएंगे, वहीं दूसरी ओर उनका ये भी कहना है कि जो भी राज्य में विकास चल रहा था हेमंत सोरेन के नेतृत्व में, उसे वो आगे बढ़ाने वाले हैं। फिलहाल इस खबर में मैं सतत नहीं, सहयोगी अमन के साथ में पूजा दुबे, लाइव इंडिया रांची।